दोस्तों जैसे कि मेरे पास टी शर्ट्स दे रखी हैं इसमें और उनके साइज दे रखे हैं, उनके रेट दे रखे हैं। अब मुझे इसे शॉर्ट करना है, बट अभी मैं शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा? सिंपल है, आप कहेंगे मैंने असेंडिंग कर दिया तो असेंडिंग पहले लार्ज आ गया, मीडियम आ गया, शॉर्ट आ, स्मॉल आ गया, एंड एक्सेल और डबल एक्सेल आ गया। बट मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ स्मॉल आए, फिर मीडियम आए, फिर लार्ज आए, फिर एक्सेल आए और फिर डबल एक्सेल आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसमें जाएंगे फिल्टर में एंड कस्टम शॉर्ट पर जाएंगे। कस्टम शॉर्ट पर जाने के बाद आपको शॉर्ट किसे करना है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। हमने साइज चूज कर रखा, उसमें वैल्यू चूज रखी है। अब यहाँ पर ऑर्डर में लिखा है A to Z, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे कस्टम लिस्ट पर। एंड कस्टम लिस्ट पर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। अब आपको जो लिस्ट में साइज आपको करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे कॉमा लगाकर। तो मुझे पहले एस चाहिए स्मॉल, फिर मीडियम चाहिए, फिर मुझे लार्ज चाहिए, फिर मुझे XL चाहिए और फिर मुझे XXL चाहिए। और मैंने इसे ऐड कर दिया और ओके कर दिया, और ओके कर दिया तो देखिए जो मेरी लिस्ट थी, यानी कि इसे बोलते हैं कस्टम शॉर्ट, उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अगर आपको ये वीडियो नई लगी हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें।